आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का सबसे लोकप्रिय चैनल RNN News, खबर आप तक। नमस्कार, मैं हूं राम नगारची और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का सबसे लोकप्रिय चैनल RNN News। आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। भाटापारा से मल्दी मार्ग पर स्थित मोपर ग्राम में कल शाम एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें एक सरकारी गाड़ी की टक्कर से 6 साल की मासूम बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गाड़ी सैलाब साहू की है, जो गरियाबंद में डिप्टी कलेक्टर है। मोपर ग्राम सैलाब साहू के माँ का मायका है और उनकी माँ एवं परिवार घटना के समय गाड़ी में सवार थे, जो अब मोपर में हो रहे दशहरा उत्सव को देखने आए थे। वहीं मृतक बच्ची सोना साहू अपने माता पिता के साथ अपने दादी के घर मोपर दशहरा देखने आई थी। वहीं पानी भर कर रोड पार कर रही थी, तभी सरकारी गाड़ी के ड्राइवर शंकर बघेल के द्वारा बहुत तेज गति से गाड़ी चलाते लाया गया, जो ब्रेकर में अनियंत्रित हो गई और सीधे बच्ची को ठोकर मार दी, जिससे मौके पर ही बच्ची की मौत हो गई, जिसे ग्राम के ही उप स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया। वहीं गाड़ी ड्राइवर शंकर को ग्रामीणों ने जमकर पीटा, क्योंकि दशहरा का माहौल था और गांव में जिसके चलते काफी भीड़ हो गई। उप स्वास्थ्य केंद्र में जहां बच्ची की लाश को देखने न जाने देने पर ग्रामीणों ने उप स्वास्थ्य केंद्र का घेराव कर दिया। भांडापारा SDM, तहसीलदार एवं SDOP मौके पर पहुंचे, जहां आक्रोशित भीड़ ने अधिकारियों को स्वास्थ्य केंद्र के अंदर ही बंधक बना लिया, जिसके बाद और भी पुलिस बल बुलाया गया। भीड़ की उग्रता देख ग्रामीणों को काफी समझाने की कोशिश की गई, लेकिन ग्रामीणों की मांग थी कि 1 करोड़ का मुआवजा और दूसरी ड्राइवर को मौके पर लाया जाए। देर रात माहौल शांत हुआ, उपस्थित अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाया। जानकारी के मुताबिक गाड़ी मालिक के द्वारा 3,50,000 की राशि सहायता के रूप में दी गई। वहीं सरकारी मुआवजे के रूप में 25,000 मिलना था, जिसमें से 10,000 नगद प्रदान किया गया। चार बजे की घटना थी, एक सरकारी वाहन से जो है 8 साल की बच्ची का एक्सीडेंट हो गया था। उस एक्सीडेंट को लेकर जो है ग्रामवासियों में थोड़ा सा आक्रोश पैदा हो गया था और उनके द्वारा मुआवजे की मांग जो है तत्काल जो है मौके पर वाहन चालक को बुलाने की मांग रखी गई थी। बाद में धीरे से जो है उनके समझौता हो गया और उनको जो सरकारी सहायता थी वो सरकारी सहायता उपलब्ध करा दी गई। मामला भी शांत हो गया है। सर, गाड़ी किसकी थी और किस प्रकार से घटना? सरकारी गाड़ी थी वो, अब वो उसके गाड़ी मालिक के बारे में जानकारी जो है पता की जा रही है। सर, इसकी रिपोर्ट दर्ज भी कराई गई है। अब FIR अब थाने में दर्ज कराई होगी, जिसके बाद सुबह जिला अस्पताल बलौदा बाजार में पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया। सुहेला पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई की। 4 बजे की घटना थी, एक सरकारी वाहन से 8 साल की बच्ची का एक्सीडेंट हो गया था। उस एक्सीडेंट को लेकर ग्रामवासियों में आक्रोश पैदा हो गया था और उनके द्वारा मुआवजे की मांग तत्काल मौके पर और वाहन चालक को बुलाने की मांग रखी गई थी। बाद में धीरे से समझौता हो गया, उनको जो है सरकारी सहायता उपलब्ध करा दी गई। मामला शांत हो गया। सरकारी गाड़ी थी, गाड़ी मालिक के बारे में पता की जा रही है। FIR दर्ज थाने में की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट RNN News।